नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रायारम, नमो लोए सव साहूरम, शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमत्तम मंगलम, वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम, ओंकार स्वरूपाय नमः, जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः। रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान त्रिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोष्ट मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैत शासनम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, वंदितो सर्वसिद्धे धूमचल मनोवम गदिम पते लोकश्याम समय पाहुं। श्रीमत्कुंदकुंद आचार्य विरचित समयसार परमंगम आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति टीका गाथा 143। दूर्णविनयान भणिदम ज्ञानदिर्णवरम तु समय परिबद्धो ऋणदुर्णय पक्षम गृणदि किंचिविनय पक्ष परिहीनो। टीका प्रारंभ करते हैं। देखो आचार्य महाराज, केवली के दृष्टांत से अनुभव की निर्विकल्पता पश्चात क्रांतता को कहते हैं। जो समय से प्रतिबद्ध हैं, नए पक्ष से रहित हैं, वे दोनों नयों को जानते ही हैं, नए पक्ष को क्रंचित ग्रहण नहीं करते। इस बात को टीका में केवली के दृष्टांत से कह रहे हैं। जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण श्रुत ज्ञान के अव्यवभूत व्यवहार निश्चय नय पक्ष के स्वरूप को ही मात्र जानते हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। दृष्टांत, जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण, केवली भगवान अर्थात केवल ज्ञान रूप परिणत आत्मा, केवल ज्ञान अर्थात सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता ज्ञाने एक काल प्रकट केवल भगवंता। केवल ज्ञानी परमेश्वर समस्त विश्व को जानते हैं और अपने आत्मा को तो जानते ही हैं। आत्मा को न जाने तो विश्व को जानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। परंतु अपने आत्मा को जानते हैं तन्मय पने से और विश्व को जानते हैं भिन्न पने से।
विश्व को जानते हैं, ये व्यवहार का कथन आया, और आत्मा को जानते हैं ये परमार्थ का कथन है, निश्चय न्याय का कथन। आत्मा को जानते हैं और आत्मा को अनुभवते हैं, वेदते हैं, अभिन्नपना है। विश्व को मात्र जानते हैं, लेकिन विश्व के जानने में पंडित आचार्य अमृतचंद स्वामी के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका पंडित टोडरमल जी ने की, मंगलाचरण की टीका करते हुए पहले पैराग्राफ में लिखा, शुद्ध चेतना प्रकाश की कोई ऐसी ही महिमा है तो विश्व को जानने की का स्वरूप लिखा, जो ज्ञान है, आत्मा है, वह विश्व के पदार्थों से ज्ञान ज्ञेय को जानता है, परंतु न तो ज्ञान ज्ञेय में जाता है और न ज्ञेय ज्ञान में आते हैं। जैसे चुम्बक और लोहे की सुई, चुम्बक लोहे को खींचता है और लोहा चुम्बक की ओर खींचता है, ऐसे कहीं ज्ञान ज्ञेयों को खींचता हो या ज्ञेय ज्ञान में खींचते हो, ऐसा नहीं। न तो ज्ञान ज्ञेयों में जाता है, न ज्ञेय ज्ञान में जाते हैं, न ज्ञान ज्ञेयों से प्रार्थना करता है कि हमें झलकाओ, जल को हमारे में ज्ञान, और न ज्ञेय ज्ञान में प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे को झलकाओ। ज्ञान में ज्ञेय भाषित होते हैं, फिर भी ज्ञान में ज्ञेयों कृत किंचित मात्र भी विक्रिया विकार नहीं होता। अनंत ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान में, फिर भी ज्ञान में अनंत खंड नहीं हो जाते। ये सब दर्शाने के लिए दर्पण का दृष्टांत दिया। जैसे दर्पण स्वच्छ रहता हुआ, बाह्य पदार्थों से निरपेक्ष रहता हुआ, ऐसी कोई उसकी सामर्थ्य है कि उस दर्पण में पदार्थ झलकते हैं। झलकने के काल में भी वह दर्पण स्वच्छ ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कोयला झलके तो उसमें कोई कालापन आए, सोना झलके तो पीलापन आए, अग्नि झलके तो उष्णता आए, पानी झलके तो गीला हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज्ञान ज्ञेयों से निरपेक्ष रह करके ज्ञान ज्ञेयों को प्रकाशित करता है, मतलब ज्ञेयों का ज्ञान है वह ज्ञेयों से अत्यंत निरपेक्ष है, वह ज्ञेयों का ज्ञान ज्ञेयों के कारण से नहीं हो रहा, वह ज्ञेयों का ज्ञान भी ज्ञायक में ज्ञायक के कारण से ही हो रहा है। अथवा हम और विशेषता से कहें तो वह ज्ञान की जो परिणति है जिसमें ज्ञेय भाषित होते हैं, वह ज्ञान रूप ही है, ज्ञेय रूप नहीं हो गई है। कई बार आप लोग प्रयोग करते हैं एक शब्द का, कोई प्रसंग अपनी इच्छा के प्रतिकूल हो जाए ना तो कहते आज हमारा उपयोग खराब हो गया, उपयोग खराब हो गया। सच्ची बात यह है कि उपयोग खराब नहीं होता, जो तुम्हारा परिणाम है कसाय का, इच्छा का, वह उस उपयोग में झलकता है, और ये अकेले उपयोग को ना अनुभवता हुआ उसे राग को, द्वेष को और उपयोग को मिला करके ऐसा मानता है तो उपयोग खराब हो गया। यदि उपयोग खराब हो जाए तो जो विकार के परिणाम हैं वे झलकें किस में, झलकेंगे किस में? साक्षीभूत, जैसे कोई साक्षीभूत है ना, साक्षी तो वो दूर खड़ा हुआ देखता है, वह उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ है,
वह उसको अच्छा और बुरा नहीं मान रहा, वह देख रहा दूर बैठ करके। ऐसे ये केवली परमेश्वर भी अपने में रहते हुए, अपने में तिष्ठते हुए, गेयों में जाए बिना गेयों को प्रकाशित कर रहे हैं, और जो गेय ज्ञान में प्रकाशित हो रहे हैं उनके प्रति उन्हें किंचित मात्र भी अहंकार ममकार का परिणाम नहीं है, उनके प्रति कोई अच्छे बुरे की कल्पना नहीं है, इसलिए उनको कहा साक्षी। आपकी श्रुति में है ना, सकल गेय ज्ञायक तदप निजानंद रस लीन, गेय झलक रहे हैं लेकिन गेयों में लीन नहीं हो रहे, गेयों में जुड़ान नहीं है उनका, आत्मा ज्ञान में आ रहा है लेकिन आत्मा में अहमपना है, आत्मा में अभिन्नता है, इसलिए आत्मा के आनंद का वेदन भी कर रहे हो लेकिन गेयों को जानते तो हैं, बस जानते क्या, सच पूछो तो जानने में आते हैं। अगर जानने का अर्थ उपयोग लगाने का अर्थ लें तो उपयोग नहीं लगाते, ज्ञान में भाषित होते हैं, ज्ञान की में स्वच्छत्व शक्ति का रूप होने से ज्ञान में सकल विश्व जानने में आता है। ऐसा मत समझ लेना कि विश्व को जानते ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं समझ लेना जैसे आत्मा को जानते वैसे जानते। यदि ऐसा माना जाए कि विश्व को जानते ही नहीं है तो ये जो उपदेश है बिना जाने कैसे कहेंगे कि क्या है स्वरूप। तो साहब ये तो व्यवहार न्याय का कथन है, विश्व को जानते हैं सर्वज्ञ आत्मा, व्यवहार न्याय का है सो क्या बात हो गई, क्या सत्यार्थ है, व्यवहार न्याय असत्यार्थ है, इसलिए उसका अर्थ है ऐसा है नहीं, जानते नहीं है भाई। असत्यार्थ के साथ एक शब्द लगाना चाहिए, कथनचित। वे पर को विश्व को जानते नहीं हैं, कह सकते हम जैसे आत्मा को जानते हैं तैसे तन्मय होकर के नहीं जानते, इस अर्थ में वे विश्व को नहीं जानते ये कहा जा सकता है किसी विवक्षा से, लेकिन विश्व को नहीं जानते तो उनकी सर्वज्ञता कैसी हो गई, और यदि सर्वज्ञता सत्यार्थ माना मानेंगे तो फिर सर्वज्ञ का उपदेश भी कैसा होगा। तो साक्षीभूत का मतलब ये है, जैसे एक व्यक्ति भोक्ता कहा और एक साक्षी का प्रवचन सारजी में नय है, तो साक्षी का मतलब दूर होकर के देख रहा है और करने वाला सामने काम कर रहा है। अरे साक्षी प्रयोग, साक्षी शब्द का प्रयोग गवाह, ये तो न्यायालय में भी होता है, क्यों भाई गवाह कोई हमें साहब हमारे सामने ये कार्य हो रहा था, हमने देखा, हम वहां थे, लेकिन वह करने वाला जैसे कर रहा है ऐसे साक्षी उसमें कुछ कर रहा है, या साक्षी का कोई दोष है उसमें, साक्षी का कोई गुण है, ऐसा नहीं। साक्षी जब कहा जाए तो उसे निरपेक्षता से समझना चाहिए, साक्षी माने उस घटना से वो अत्यंत निरपेक्ष है, किसी पक्षपात से नहीं कह रहा कि इन्होंने ऐसा किया है, उसने देखा है तो कह रहा है। जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण, जब विश्व के साक्षी हैं तो विश्व में स्वपर आया, स्वपर में द्रव्य गुण पर्याय समस्त आ गए, तो इसमें श्रुत ज्ञान भी आ गया, श्रुत ज्ञान को भी जानते हैं। अब श्रुत ज्ञान को जानते हैं तो श्रुत ज्ञान के अवयव भूत नयों को भी जानते हैं, कैसी बढ़िया बात कही है। नय किसका नाम है, प्रमाणिक देश, लेकिन प्रमाण में अवध ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान सब गर्भित हैं, यहाँ श्रुत ज्ञान के एक देश, श्रुत ज्ञान में नय होते हैं, समझ में आया। श्रुत ज्ञान कहने का अर्थ है ये सम्यक श्रुत ज्ञान,
क्योंकि मिथ्या शुद्ध ज्ञान को तो शुद्ध कहेंगे और उसमें जो एक एक पक्ष को जाना जा रहा है उसे कुनय कहेंगे। तो श्रुति ज्ञान के अवयव भूत व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को ही मात्र जानते हैं। देखो, स्वरूप को ही मात्र जानते हैं। स्वरूप को ही क्यों लगाई? स्वरूप को ही मात्र जानते हैं। अरे ये अज्ञानी तो मोही प्राणी, किसी को देखेगा ना तो कुछ तो जो है सो देखेगा, कुछ अपनी कल्पनाएं देखेगा। कल्पनाएं बहुत देखता है। कल्पनाएं बहुत करता रहता है, कल्पनाएं देखता है। केवल ज्ञानी स्वरूप को ही मात्र जानते हैं और मात्र जानते हैं। समझ में आया? उनमें नासी करो, उनमें तन्मय नहीं होते, उनके सन्मुख होकर के नहीं जानते, उनको निजपने से नहीं जानते, उनमें इष्टनिष्ठपना नहीं करते, मात्र जानते हैं। परंतु निरंतर प्रकाशमान, निरंतर प्रकाशमान केवल ज्ञान कैसा है? निरंतर प्रकाशमान केवल ज्ञानादिक जो है उनको प्रवचन सार जी में एक बहुत सुंदर बात कही। अब ये विषय यहीं रोकते हैं, चल नहीं पाएगा। हाँ, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी।